असम विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज असम पहुंचे, जहां उन्होंने मां कामाख्या मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद कलाई गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर उग्रवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया और इसके साथ ही पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दिए गए मुंहतोड़ जवाब का भी जिक्र किया। भाइयों बहनों, असम की धरती श्रीमान शंकर देव की धरती भी है। शंकर देव एक ऐसे दूरदर्शी महापुरुष थे जिन्होंने भारत के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगाते हुए घुसपैठ की समस्या के बारे में देश का ध्यान आकर्षित करने का काम किया था और इसीलिए शंकर देव को कांग्रेस ने कभी मान्यता नहीं दी। और कांग्रेस मान्यता देती भी कैसे? कांग्रेस के साथ तुष्टीकरण की नीति जो जुड़ी हुई थी, आज भी आप देख रहे होंगे, असम अगर विकास के पैमाने पर पिछड़ा है इसके पीछे कांग्रेस है, कांग्रेस की कुटिल नीतियां हैं। क्योंकि कांग्रेस कभी विकास की पक्षधर नहीं रही, एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त हो जाए और उसके बाद वह सत्ता हत्या करके देश के अंदर उग्रवाद, अलगाववाद और आतंकवाद को प्रश्रय दे, यही तो कांग्रेस ने किया था। ये आई यूडीएफ जैसा दल है जिसका असम के अंदर घुसपैठ कराने के लिए जिसका नाम हमेशा कुख्यात रहा है, जिसने घुसपैठ का समर्थन किया है, कांग्रेस उसके साथ मिलकर के एक महाजोथ बना करके चुनाव को प्रभावित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। और इसीलिए असम का यह विधानसभा का यह चुनाव सभ्यता, संस्कृति और असम की अस्मिता को बचाने का एक महाचुनाव है और इस महाचुनाव में आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। अगर कोई भारत की सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा तो उसको किस रूप में मुंहतोड़ जवाब देना है, और भारत की सुरक्षा में भी सेंध लगाने का कार्य करेगा तो उसका जवाब कैसे दिया जाना चाहिए? आपने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर घुस करके जब भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, भारत के सौर्य पराक्रम का वह लोहा भी आपने देखा होगा, कैसे दुनिया ने उसको स्वीकारा है।